हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल मलिक आज आपके लिए एक बिल्कुल नई और डिफरेंट और बहुत लग्जरी आइटम लेके आया हूँ। आप खुश हो जाओगे जब इस प्रोडक्ट को यूज करोगे। दोस्तों, हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है 52 mm ग्रास, वो भी स्प्लेंडिड क्वालिटी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग जाने जाते हैं ओनली और ओनली क्वालिटी के लिए। तो इस ग्रास की जो खासियत है वो पहले मैं बताता हूँ। जो ये ग्रास है, ये -30 + 50 डिग्री टेम्परेचर पे कलर पे कोई फर्क नहीं आएगा। वो हमारे रिटर्न गारंटी होती है 5 साल की। हमारे ग्रास का बैक क्रैक नहीं होगा। जो चाइनीज ग्रास होते हैं, उन चाइनीज ग्रास में प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें बैक ना, जो ये पीछे का ये वाला जो होता है ना, ये जैसे आप इसे ऐसे करोगे तो वो क्रैक होना शुरू हो जाता है। मेरा बैक कभी भी क्रैक नहीं होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि ये आपका जो प्रोडक्ट है वो जर्मन है, चाइनीज नहीं है, और ये 6% लेटेक्स के साथ बना हुआ है जो कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी होती है। ये क्या चीज है कि जो ये वाला जो ये पोर्शन देख रहे हैं आप, जो नॉर्मली आप चाइनीज ग्रास में देखेंगे तो 70-80% तक ग्रास में आपको ब्लैक ब्लैक दिखेगा या ग्रीन भी दिखेगा तो बहुत हैवी दिखेगा। इसमें ये वाला जो लेटेक्स है ये मैक्सिमम 6% होता है। इस प्रोडक्ट को आप 45 डेज अगर पानी में डाल के भी छोड़ दोगे तो इसके स्टिचेस बाहर नहीं आएंगे, इस चीज की गारंटी आएगी मेरी। अगर इस प्रोडक्ट को आप धूप में डालो 24 घंटे तो इसके जो ये जो इसके यार्न होते हैं ये क्रैक नहीं होंगे, और 2500 पाउंड के प्रेशर से अगर आप इसे पकड़ खींचोगे, जितना भी दम लगाओगे इसे आप नहीं निकाल सकते हो। इसके क्रैक ना होने का रीजन दोस्तों, रॉयल टेनकेट यार्न होता है जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 यार्न होता है, जो कि ये फैक्ट्री जो बनाती है ओनली और ओनली फ्रेश यार्न में डील करती है। ये सेकंड क्वालिटी जैसे रिसाइकल प्रोडक्ट में डील नहीं करती है। हम ये सेम प्रोडक्ट इसके अंदर यूज करते हैं, उसका सर्टिफिकेट भी है हमारे पास। जो इसका यूवी प्रोटेक्शन है, जो इसका जो स्केल होता है वो 4 to 5 होता है, जो हाईएस्ट होता है ग्रास इंडस्ट्री के अंदर, जो कि SGS लैब अप्रूव्ड प्रोडक्ट ये हमारा है, जो कि SGS लैब अप्रूव्ड सर्टिफिकेट हमारे पास है। सो टेक्निकल अगर मैं बात करूं तो टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, और बहुत क्वालिटी। अगर मैं इसकी बात करूं इसकी फील की, ये देखो, आपको इतना लग्जरी फील आएगा जब आप इस पे पैर रखोगे, आपको लगेगा वाओ। डेंसिटी, इसकी डेंसिटी जो होती है आप बिलीव करोगे, इतनी अच्छी डेंसिटी होती है इसकी, 18,900 डेंसिटी होती है इसकी। 18,900 डेंसिटी होती है वो कैसे काउंट करोगे आप? देखो, लोग क्या होते हैं जो मार्केट में आपको बेवकूफ बनाते हैं, वो कैसे बेवकूफ बनाते हैं और वो आपको कैसे बेवकूफ नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं कि यहां से लेके ये, फॉर एग्जाम्पल देखो ये 10 है, यहां पे मैंने यहां पे ये निशान लगाया, ये 10 है और यहां से शुरू हुआ, ये 10 आपका सेंटीमीटर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 एग्जैक्ट 18 आएगा आपका ये। अगर इसे हम बात करें कि ये 52 mm है या नहीं है, इसे कैसे मेजर कर सकते हो आप? दोस्तों ये पूरी वीडियो देखो, आपको कोई चीट ही नहीं कर सकता। देखो आप ही के सामने मैंने ऐसे करके ये निकाला है, और आपको ये यार्न यहां से ऐसे निकालना है, और इस यार्न को ऐसे रख के, ये देखिए ऐसे रखो, ये स्केल है आपका, और ये देखिए मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूं, ये देखिए ये आपका 100+ चला गया है, 104 तक पहुंच गया है। यानी कि अगर इसे डिवाइडेड करोगे और थोड़ा सा जो नीचे घूम के आता है तो ये आपका 52 mm एग्जैक्ट ग्रास आएगा। ये इसकी खासियत है। फायर रिटार्डेंट है ये ग्रास, फायर रिटार्डेंट मीन्स आप खुद से इसमें आग लगाओ, इस ग्रास में आग भी नहीं लगेगी। ये इसकी खासियत है, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं। आज मैंने स्पेशली आपके लिए ये प्रोडक्ट इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको देखने में और यूज करने में मजा आए। देखो मैं लाइव दिखा रहा हूं, ये मैंने ये माचिस की तिल्ली जलाई, और ये मैं देखिए मैं खुद जला रहा हूं इसे, आप देखो लाइव, ये आग अपने आप बुझ जाएगी, ये आग आगे नहीं बढ़ेगी। ये देखिए अपने आप, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूं आपको,
कहीं आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, ये देखिए, ये देखिए, मैं खुद जला रहा हूं इसे, ये मैंने यहां पे देखिए, ये आग चली और ये अपने आप यहीं की यहीं अपने आप बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये इसकी क्वालिटी है, कितना यूवी है, क्या इसकी टेक्निकल, ये एक्चुअल में अपने सब चीजों को ये प्रूव करता है या नहीं करता है, ठीक है। अब आते हैं प्राइस पे, जो प्राइस है इसका प्राइस भी बहुत बहुत रिजनेबल है, बिकॉज आप डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हो तो ऑब्वियस ही चीज है, प्राइस तो आपको पता ही है, जैसे हम लोग पहले से आपको रिजनेबल प्राइस देते आ रहे हैं। इसका जो प्राइस आएगा वो जस्ट 58 रुपीज पर स्क्वायर फीट आएगा रोल का प्राइस। अगर आप हमसे कटिंग में लेते हैं तो 10% एक्स्ट्रा होता है, प्लस 12% जीएसटी और एक आपका लोकल ट्रांसपोर्टेशन लगता है जो मेरे वेयर हाउस से ट्रांसपोर्ट तक जाता है, सो दैट इज 500 रुपीज लगता है 5-6 रोल तक, ठीक है। और ये वेरी कर सकता है, अगर आपका कुछ टाइम लेके आप ऑर्डर करते हो वो थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं, बाकी एग्जैक्ट यही प्राइस है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ भी आपको समझना हो तो आपको हमारे नंबर आपके पास नीचे दिए ही गए हैं, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।